हमारे सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर ऐसा है कि कोई भी 12 बजे के बाद कोई एस्टेब्लिशमेंट होटल्स ओपन नहीं रहना, बल्कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है सीपी साहब के। इस लिहाज से हम डेली पेट्रोलिंग अरेंज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में मैं कल पेट्रोलिंग करा सीट अपने साउथ वेस्ट जोन में, और बहुत से होटल और ओपन हो रहे हैं, बल्कि मैं इंफॉर्मेशन आने से वो पेट्रोलिंग करने से मेरी पेट्रोलिंग में मेरी नज़र में रियान होटल हुमायूं नगर पीएस लिमिट्स में और इंटरनेशनल जूस हाशिम नगर पीएस लिमिट्स में, मदीना मिल्क पॉइंट हबीब नगर पीएस लिमिट्स में और अल जजीरा मंदी हबीब नगर पीएस लिमिट में, रूबी पान शॉप बुढ़ीमलकापुर पीएस लिमिट में और शबरमा लब्बाई शर्मा बल्कि हुमायूं नगर पीएस में, ये लोग 1 o'clock को भी अपना 1:30 को बिजनेस चला रहे थे। उन पर पुलिस को लेकर आके केस रजिस्टर किया गया है और ये एक एक मुसम्मम इरादे से हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये जो लोग पर केस लगाने के बाद सिर्फ वर्कर्स पे नहीं बल्कि उन पे ओनर्स पे भी हम उनके पर केस लगाएंगे, और ओनर्स पे लगाने के बाद ओनर्स को हम फिर एक बैंड ओवर केस भी लगाएंगे। बैंड ओवर में हम ओनर्स को 1 lakh या 2 lakh ह्यूज अमाउंट में हम बैंड ओवर कराएंगे। बैंड ओवर कराने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो लेट नाइट ऑफेंस में वो एस्टेब्लिशमेंट अपन को होटल या मिला तो कंपलसरी उन 1 lakh या 2 lakh जो बैंड ओवर अमाउंट है वो भरना पड़ता, अगर नहीं भरा तो जेल को जाना पड़ता। और नेक्स्ट टाइम जो मिला है ये तो फर्स्ट टाइम के लिए बैंड ओवर है, वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम बैंड ओवर करते। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस करके इसको किसी हाल में हम ये एस्टेब्लिशमेंट ये होटल्स को विथ इन टाइम लिमिट बंद कराने की कोशिश पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे जो होटल वाले ओनर्स हैं उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन की हैसियत से इज्जत के शहरी के हैसियत से आप टाइम लिमिट पे बिजनेस कीजिए, वरना ये ऐसा ये चोरों की तरह भागना, डोर्स बंद करना, पीछे के डोर से चलाना, ये उसकी करने की क्या ज़रूरत है। आप टाइम लिमिट में जो कमा सकते हो कमा लीजिए, चोरों के ऐसा कमा के करके अपनी इज्जत गंवा के कमाने में उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं होटल ओनर्स और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कानून के दायरे में रहकर आप बिजनेस कीजिए और इज्जत से जीना चाहिए, वरना ये चोरों की तरह करने से इज्जत भी नहीं रहती और पैसा बगैर इज्जत के पैसा कमाने का भी बेकार है वो, बल्कि मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट की उम्र से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर ये मुहिम चला रहे हैं ना आप, ये रातों का रात में जो कारोबार हो रहा है लेट नाइट, इसके ऊपर आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह के पॉलिटिकल लीडर्स को फोन करना या कोई किसी को छुड़ाने की कोशिश करना जिसको आप लोग अरेस्ट करें या किसी को लेकर गए पीएस को? ये जनरली फोन तो आते हैं, लेकिन हमारे सीपी साहब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वैसा उस पर कोई इन्फ्लुएंस करे तो भी मेरे को बोलो, अगर वैसा उतना ये रहे तो मैं आता हूँ इस पार्ट में भी आता हूँ बल्कि बोले सपोर्ट कर रहे और आपके जरिए मैं अपने इन्फ्लुएंस करने वाले जैसे पॉलिटिकल लीडर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में एक समाज को सुधारने के लिए जो पुलिस इस काम कर रही है उसमें आप आड़े ना आए और पुलिस को अपना काम करने दें। इसमें आप किसी शहरी को जो कानून के दायरे में रह के काम कर रहा हूँ उसको केस नहीं लगा रहे, जो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ उन्हीं को केस लगा रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को आप प्लीज आप सपोर्ट ना करें और इसमें इन्वॉल्व ना हमें, मैं मेरी गुजारिश है आपसे। अभी तक मैं तो कल एक 6 cases बुक करा, ये कंटिन्यू तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये बैंड ओवर का जो है ना हम नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं, बैंड ओवर करके उन लोगों को फिर वो बैंड ओवर बांड फोरफिट करके उनको जुर्माना भरने का एक नई स्कीम शुरू कर रहे, जिसके वजह से उन लोगों को ज़रा उसका असर महंगा बल्कि हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये उम्मीद ऐसा मेरी ये जो बात बोल रहा हूँ उन लोगों को ये स्टेटमेंट पर असर होना चाहिए, एक इज्जत से बिजनेस में बिजनेस कीजिए और पैसे कमाइए, जो चोरों की तरह करके मत कीजिए, उससे जीना इज्जत से जीना इज्जत से कमाना बल्कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैनेजर्स के ऊपर भी करें ओनर्स के ऊपर भी करें।
सर मल्लेपल्ली एनवायरमेंट कॉलेज का पूरा फूड स्ट्रीट बना हुआ है। अच्छा, जो रात भर रहते हैं मंदी के होटल का बोल के उसके सामने क्या बोलते हैं पूरा फूड पॉइंट है उसके अलावा भी सर हबीबगंज लिमिट में अल जजीरा मंदी है और रात भर चलती रहती पीछे गली में से रास्ता है उसका। और उसकी पार्किंग सर नामपल्ली हॉस्पिटल में है। अच्छा, अल जजीरा के ऊपर का रात में केस लगाया आप लगाए फिर देखिए आज भी वो लोग सर ये तो आपके नजर से बहुत दूर की बात है। आपके DCP ऑफिस से एक 5.5 किलोमीटर की दूरी पे कोई ऐसी बड़ी होटल है जो कई बड़े पॉलिटिशियन के हाथ के नीचे की है, शटर चलता है और जो कंप्लेंट करा उसको कॉल जाता नेक्स्ट डे अरे कई को कर रहे हैं बोल के पुलिस डिपार्टमेंट से। अच्छा, अब से उसका इंफ्लुएंस को नहीं कह लिए थोड़े लोग साथ-साथ दरवाजे लगा के भी बैकडोर लगा के कर रहे हैं वैसा नहीं। मेरा सवाल ये है सर, जो सिटीजन कॉमन सिटीजन या बाजू वाला जो तकलीफ झेल रहा वो पुलिस को कंप्लेंट करे तो पुलिस वाले होटल वाले को कॉमन सिटीजन का नंबर दे दे रहे हैं कि इन करा बोल के। नहीं नहीं ये गलत है, आप मैं आपसे वादा करता हूं, आम से भी वादा करता हूं कि आप कुछ ऐसा कहीं भी ऐसा इलीगल बियॉन्ड द टाइम लिमिट कुछ बिजनेस चल रहा तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, मैं आप लोगों के नाम डिस्कोज नहीं करूँगा। और जहाँ जहाँ हम चाहते हैं मैं भी इंफॉर्मेशन, अब जैसे हमारे बोले ऐसा दो चीज़ बोले वो हमारे नॉलेज में नहीं है, आइंदा उसको भी हम टारगेट लगा के वहाँ पर भी भेज सकते हैं। डिपार्टमेंट वाले जब हमें उसके बाद में बंदर बन के जो फोटो लेने के आ जाते हैं बंद करने के लिए वैसे अगर है तो अब हमारे CP साहब एक 2 महीने का टाइम दिए SHO उसको बुला के मीटिंग लगाए आने के बाद ये सब सेट करने के लिए मैं अभी सडन तो नहीं होता, मैं 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ। पर 2 महीने में अगर नहीं करे तो CP साहब भी इसको SHO पे एक्शन लेने का इरादा है उनका। और हम सीनियर ऑफिसर भी हम वक्तन वक्तन ऐसा चेक करके हम खुद फील्ड पे आके केस लगेंगे और बन भी ऐसा हम देखेंगे। अब ये पान शॉप भी 11 बजे तक जो किराना हुआ पान शॉप और स्ट्रीट जो रहते ना पूरे 11 बजे तक खत्म कर देने का है। जो लाइसेंस के जो है ना स्टॉल्स वो 12 बजे तक है होटल्स।